हेलो जी, हेलो, कैसे हो भाई लोगों, आप सभी लोग। अच्छा, अभी मैं एक किताब, अपनी लिखी हुई एक किताब पढ़ रहा था। किताब है जी ये, अनदेखे पहाड़। तो इसमें हमने पमालीकांठा बुग्याल की यात्रा का वर्णन भी लिखा है। और पमालीकांठा से मुझे याद आया कि हमने उस यात्रा में, वो यात्रा की थी हमने सितंबर 2017 में। तो उस टाइम में यूट्यूब पे ज़्यादा एक्टिव था नहीं, ना कि एक्टिव था ही नहीं यूट्यूब पे। तो हमने उस दौरान कुछ वीडियो भी बनाई थी, लेकिन वो वीडियो हमने यूट्यूब के मद्देनज़र नहीं बनाई, बस ऐसी हमने फिर बनानी शुरू कर दी। वापस आके उसका ब्लॉग भी नहीं लिखा, कुछ भी नहीं। वो फ़ोटो भी सारे कैमरे उसमें लैपटॉप में पड़े रह गए, कुछ भी नहीं हुआ उसका। तो 2 साल बाद यानी अब वो किताब के रूप में छपे हैं। तो अब हम चाहते हैं कि वो फ़ोटो भी आपको दिखाए जाएं और वो वीडियो भी आपको दिखाई जाए जो हमने ऐसे ही उल जलूल तरीके से बना ली थी। तो चलिए, फ़ोटो हम दिखाते रहेंगे, वीडियो से शुरुआत करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमने ये वीडियो यूट्यूब के मद्देनज़र नहीं बनाई थी, तो इसमें थोड़ी बहुत कमियाँ आपको देखने को मिल सकती हैं। इसके साथ ही हम इसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। किसमें? वीडियो में हम कोई एडिटिंग नहीं करेंगे, एज इट इज वीडियो हम दिखाएंगे आपको उसमें। क्योंकि जंगल का ट्रैक है सारा, जंगल की जो आवाज़ें आती हैं, जंगल की जो आवाज़ें आती हैं वो भी आपको सुनाई पड़े, तो तभी मज़ा है ना हिमालय के जंगलों में ट्रैक करने का। तो चलिए, किताब आपने पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी है तो पढ़ लेना। लिंक हमने, किताब खरीदने का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में नीचे दे रखा है। तो कहने का मतलब है कि हमने दिल्ली से बस पकड़ी थी, गुप्तकाशी पहुंचे थे। गुप्तकाशी से हमने दूसरी गाड़ी लेके हम पहुंचे त्रियोगी नारायण उत्तराखंड में। त्रियोगी नारायण पहुंच के हमने उसी दिन ट्रैकिंग शुरू कर दी थी। और हम त्रियोगी नारायण से 3 किलोमीटर चलने के बाद, ट्रैक करने के बाद, एक छानी में पहुंचे थे। छानी यानी के भैंस वालों के ठिकाने, कच्चे कच्चे पक्के मकान, कच्चे मकान होते हैं पत्थरों के, मिट्टी के, घास फूस के। तो वहाँ से हम आपको वीडियो दिखाएंगे और चलिए देखते हैं, आपको अच्छा लगेगा। यह है हमारा आज का ठिकाना। क्या नाम है इस जगह का, पता नहीं क्या है। हम आज यहीं पर रुकेंगे, हमारी बात हो गई है यहाँ के लोगों से। हाँ, पहचानना पड़ी तो। ये चाय चाय रेडी हो रही है।
फिल्मी हीरो सा लग रहा है हाँ। जैसे लंबे लंबे बाल है। देखो एक बार और इधर, भाई वाह। अगले दिन सुबह उठ के हमें पता चला कि यहाँ से जंगल, यहाँ से 2-2.5 किलोमीटर दूर जंगल में एक छोटा सा तालाब है, एक छोटी सी झील है, उसका नाम है कृष्ण सरोवर। तो हम वहाँ पर चले गए। यहाँ से कनेटू छानी से, जहाँ पे हम रुके हुए थे, यहाँ से कनेटू छानी से कृष्ण सरोवर की दूरी लगभग 2 किलोमीटर है। रास्ता लगभग समतल ही है, लेकिन कुछ दूर तक रास्ता दिखता है, उसके बाद रास्ता नहीं दिखता। तो चलिए आपको कृष्ण सरोवर की भी हम सैर कराते हैं। उन्होंने बताया था नहीं, गधेरा पार करके है ये। देखो रहा दिखा क्या कैमरे में? शायद नहीं दिख रहा होगा, मैं एक बार जूम कर दूं। वो रहा कृष्णा सरोवर है ना। यहाँ आने के लिए कोई क्लियर रास्ता भी नहीं बना हुआ है, हमें अंदाजे से जाना पड़ा। ऊपर उन लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से हमें समझा दिया था। अब यहाँ से देखो नीचे कैसे उतरना है। कमल सरोवर, कृष्णा सरोवर। कृष्णा सरोवर तक आने के लिए कोई निश्चित रास्ता नहीं बना हुआ है, हमें गायों के निशान के साथ साथ ही चलना पड़ता है। ये निशान कभी मिल जाते हैं, कभी खो जाते हैं। है क्या उतरने की जगह? नहीं है? उतर तो, फिसलन है वहां पे भी बहुत। कमल सरोवर समुद्र तल से लगभग 2800, हाँ कृष्णा सरोवर समुद्र तल से लगभग 2800 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ आने का कोई पक्का रास्ता नहीं बना हुआ है, आपको या तो किसी स्थानीय आदमी के साथ आना चाहिए, नहीं तो अंदाजे से। इसमें दो तरफ इनकमिंग है, एक इधर, यहाँ से एक गधेरा आगे इसमें गिरता है, और एक उधर, उधर से भी एक गधेरा मतलब नाला आगे इसमें गिरता है। आउटगोइंग हमें पता नहीं, उधर से ही कहीं से होगा। कृष्ण सरोवर से वापस आके अब हमारी बारी थी आगे की यात्रा करने की, यानी कि पवाली कांठा की तरफ जाने की। अभी हम पवाली कांठा नहीं पहुंचे हैं, अभी हम त्रियोगी नारायण से केवल 3 किलोमीटर आगे कनेटू छानी में थे। कनेटू छानी से भी बहुत दूर चलने के बाद पवाली कांठा बुग्याल आता है। तो चलिए अब हम कनेटू छानी को छोड़ के आगे पवाली कांठा बुग्याल की तरफ आपको लेके चलते हैं। अबे तुझे ना कह रहा, मैं इसको कह रहा हूँ कटड़े को।
ये देखिए हम अभी पुल पे बैठे हुए हैं और एग्जैक्ट उसी जगह पे पुल है जहाँ मैंने 15 मिनट पहले अंदाज़ा लगाया था। और आप देख रहे हैं कि यहाँ से लेके पुल से लेके जहाँ हम बैठे हुए यहाँ से और यहाँ तक मग्गू चट्टी तक ज़्यादा ठीक ठाक चढ़ाई है, लगभग 1-1.5 किलोमीटर का रास्ता है। जंगल की आवाज़ को सुनिए अगर कैमरे में आवाज़ आ रही हो तो। ये देखिए हम अभी 11:30 बजे मग्गू चट्टी पहुँच गए हैं। मग्गू चट्टी इसी धार पर स्थित है जिस पर हमें अंदाज़ा था, लगभग 3200 मीटर से थोड़ा सा ऊपर है मग्गू चट्टी, तो हमें 3600 मीटर से भी ऊपर जाना है। अभी हम 3200 मीटर पे हैं, है नी? सामने देखेंगे यानी कि ऐसे ऐसे जाके यहाँ ये जो दर्रा सा दिख रहा है इस दर्रे से फिर ऊपर चढ़ना है चोटी पे, और चोटी से फिर ये जो धार जा रही है ये धार, ये वाली धार, इस धार के साथ साथ चलना है। अब अगर हम हकीकत में बात करें तो हम यहाँ बैठे हैं मग्गू चट्टी पे और सामने हमें वो दर्रा दिख रहा है, दर्रे से ऊपर वो चोटी है जो हमने अभी दिखाई थी 3600 मीटर ऊंची, और फिर यहाँ से उस तरफ जो कि हमें नहीं दिख रहा है धार ही धार चले जाना है। ये जगह लगभग 3500 मीटर पे है जो आप देख रहे हैं, और यहाँ से फिर ऊपर चढ़ना है 3600 मीटर, 3600 से भी थोड़ा सा ज़्यादा है, और फिर यहाँ से उधर ही उधर चले जाना है। ये हमने आपको मग्गू चट्टी का भूगोल समझा दिया है और बस इतना ही है। बस जितना हमें सामने दिख रहा है इतनी चढ़ाई और बाकी है। लेफ्ट साइड में एक दर्रा जैसा दिख रहा है, दर्रे से आगे एक चोटी दिख रही है, उस चोटी तक हमें चढ़ना है। उसकी ऊंचाई है अधिकतम 3700 मीटर, लेकिन हम 3700 मीटर तक नहीं चढ़ेंगे, 3650 या लगभग 3650 के आसपास से ही हमारी चढ़ाई ख़त्म हो जाएगी। यह है कनखलिया खाल, समुद्र तल से 3500 मीटर की ऊंचाई पर है। यहाँ से आगे
थोड़ी सी चढ़ाई और मिलेगी, फिर हमें प्लेन रास्ता मिलने वाला है। 3500 मीटर का मतलब है कि बड़े बड़े पेड़ ख़त्म और अब ये बुग्याल क्षेत्र शुरू है। क्या हो तेरी? हाँ हाँ, वो लास्ट में ये इस पे लिखा हुआ है कनखलिया खाल समुद्र से ऊंचाई 3200 मीटर। ये बिल्कुल गलत लिखा हुआ है, 3200 नहीं है, 3500 मीटर है। और आप यहाँ से रास्ता भी देख सकते हो, ये दिख रहा है ना? हाँ बोलो, दिख रहा है। वो थोड़ी सी चढ़ाई है, फिर उसके बाद ऊपर धार धार जाना है, और उधर वो लास्ट में कहीं, वो कहीं पे पवाली कंठा है। तो जी ये था हमारी पवाली कंठा यात्रा का पहला भाग। हमने आपको आधी यात्रा करा दी है, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, और हमें उम्मीद है कि अब आप अगली वीडियो भी ज़रूर देखेंगे, है ना? तो अगली वीडियो की प्रतीक्षा कीजिए, हम बहुत जल्दी आपको इसका अगला पार्ट दिखाएंगे, जो कि निसंदेह बहुत खूबसूरत होने वाला है, क्योंकि अभी हम पवाली कंठा बुग्याल में प्रवेश कर गए हैं। तो अपनी इस वीडियो को शेयर करते, लाइक करिए, शेयर करिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपने दोस्तों को ऐसा करने के लिए कहिए, क्योंकि अगले पार्ट में हम पवाली कंठा की विस्तार से यात्रा कराने वाले हैं, और अगला पार्ट आपको बहुत अच्छा लगेगा।